हमारा एक पार्टी का कार्यक्रम आयोजित था आज, अभी जो हाल ही में एनएससी में जो घटना हुई है टोपी को लेकर के, उसके विरोध प्रदर्शन के लिए हमारे यहाँ पे पार्टी के माध्यम से यहाँ से लेकर डीएम साहब तक एक हमारा पैदल मार्च था और हमें ज्ञापन देना था। तो बात कर लो साहब, डीएम साहब को ज्ञापन देना जी। तो फिर अभी क्या हुआ? हुआ ये कि रात हमारे महानगर अध्यक्ष इमरान अंसारी साहब और पार्टी के पदाधिकारियों को नजरबंद कर दिया गया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और प्रशासन ने पूरी ताकत के साथ इस प्रोग्राम को हमारा कैंसिल कराया है। परमिशन तो हमें प्रशासन देता भी नहीं, जब प्रशासन होने नहीं देना चाहता तो परमिशन का क्या हो सकता है। तो अभी जो लड़का आप बता रहे हैं जिसके साथ ये बदतमीजी हुई है जी, जिसको मारा गया पीटा गया, एफआईआर तो होगी? एफआईआर में बहुत बड़ा घोलमाल है, उसमें पुलिस की भूमिका भी स्पष्ट नहीं है और जो जो घटना हुई है एक्चुअल में घटना के मुताबिक तो उसमें वो धाराएं हैं ही नहीं। और जब ये एफआईआर दर्ज हुई है पुलिस ने उस एफआईआर को 3-4 बार बदलवाया है, अपने मुताबिक करवाया है। हमारी डिमांड ये थी कि जो घटना घटी है उस एक्चुअल घटना के मुताबिक 295A जो घटना के मुताबिक धारा बनती है वो लगाई जाए। हालांकि प्रशासन ने पता चला कि उसको जोड़ दिया है। देखिए जैसा कि, लेकिन हमारा संदेश ये था आज के कार्यक्रम के माध्यम से कि हमारे मेरठ में जो पहली बार घटना की शुरुआत हुई है, आइंदा इसकी पुनरावृत्ति न हो, ऐसे लोगों की हिम्मत न जुटे और प्रशासन ऐसे लोगों के साथ सख्ती कैसे पेश आए, इसके लिए दबाव बनाने के लिए और मैसेज देने के लिए हम ये कार्यक्रम आयोजित करना चाहते थे। तो आपके हिसाब से पहली घटना इससे पहले ऐसा? ये पहली घटना इस तरह की मेरठ शहर के अंदर, बाकी तो हिंदुस्तान में आमतौर पर रोजाना घटनाएं सुनने को मिल रही है, लेकिन हमारे शहर में शुरुआत हुई है तो हम ये चाहते थे कि शहर की फिजा ना बिगड़े, हमारी कौमी एकजहती और सद्भावना बना रहे, शहर हमारा महफूज रहे और प्रशासन इसको सख्ती से ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। देखिए एनसीआर समाचार के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज ये भीड़ जो इकट्ठा हुई है यहाँ पे, हम अभी हम पार्षद से बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि ये लोग कार्रवाई के लिए यहाँ पे आए हुए थे और इन्होंने एक पैदल मार्च का आयोजन किया हुआ था। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई की है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, कह रहे हैं कि जिस धाराओं में एफआईआर दर्ज होनी थी वो नहीं हुई, लेकिन अभी बता रहे हैं शायद सूत्रों से ये भी खबर मिल रही है कि शायद एफआईआर दर्ज हो चुकी है। तो इस पे कार्रवाई के लिए ये दबाव बनाने के लिए यहाँ पे आए थे और अभी इनका प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया है क्योंकि जो लोग इनके ऑर्गेनाइजर थे उनको नजरबंद कर दिया गया, ऐसा ये बता रहे हैं।